मेरा नाम प्रतीक मिक्षा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है, मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे निकल गया। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ी थी। पर रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड पे पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रेवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना भी समय नहीं था, इसलिए मैंने पास से सुलभ शौचालय पे करने का सोचा। मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है, बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाए। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था, फिर से मेरे पेट खराब हो गया। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि वापस लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे काफी डर लगने लगा। मैं जल्दी अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं वहां से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पे बैठ गया है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने तो देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर काफी जीव जंतु चिपके हुए थे। ये खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। ऐसा महसूस होने लगा मैं जोर जोर से रोने लगा। वहां पे काफी अंधेरा था और काफी दुर्गम भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज और वो भयानक औरत मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश की और जोर करके खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे थे, पागल है क्या, पी क्या आया है। तभी वहाँ पास में खड़े आदमी ने मुझे देखा और पूछा, भाई तुम कहाँ हो और तुम वहाँ पर अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई शौचालय नहीं था बल्कि एक पुराना टूटा फूटा मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना।